हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? ये है मेरा दोस्त मयंक वाधवा। हेलो। आज ये अपनी गाड़ी में इन्फिनिटी की बेस ट्यूब और सोनी का 4 चैनल एम्पलीफायर लगवा के आया है। और स्पीकर कौन से है इसमें कंपोनेंट? इन्फिनिटी प्राइमस। और सोनी का ये है इसका स्टीरियो। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनवाया लड़के ने, करोल बाग से लगवा के आया है। आपको मैं सुनाता हूँ साउंड। डिक्की खोलियो एक बार। जी देखो दोस्तों, इन्फिनिटी की बेस ट्यूब लगवा रखी है इसने। काफी अच्छी है इन्फिनिटी की, हर किसी गाड़ी में हर कोई ये लगवाता है। और सबसे बेस्ट मुझे इन्फिनिटी का ही लगते हैं। और स्पीकर अगर कंपोनेंट अगर आपका बजट अच्छा हो तो कापा का लगवाओ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एम्पलीफायर रख रखा है। ये रहा सोनी एक्सप्लोर 1000 वाट। सबसे बेस्ट एम्पलीफायर मेरे को सोनी के लगते हैं। अगर दोस्तों आपको बहुत खतरनाक बेस चाहिए और बजट अच्छा हो तो आप मोनो ले लेना सीधा। और इसके कंपोनेंट इसने एम्पलीफायर से कर रखे हैं और बेस ट्यूब भी एम्पलीफायर से कर रखी है। तो ये है दोस्तों, पहले उन्हें सेट कर रखा था। पीछे जगह नहीं होगी वैसे मेरी गाड़ी में एम्पलीफायर रखने की? नहीं, सब वो सीट के नीचे बेस्ट पड़ता है। हाँ, सीट के नीचे बेस्ट रहता है वैसे। पर कभी ना बाई चांस ना कभी कभी ऐसा होता है पैर लग जाता है, वायरिंग भी इस बात का ध्यान रखी हूँ। जी तो कह रहा हूँ, पैर लग जाता है वायर्स पे। भाई कितने खर्च कर दिए इसमें? भाई इसमें 18,000 रुपये खर्चा किया मैंने। अच्छा, कितने कितने का? आपके 5,500 का बेस ट्यूब है, 200 रुपए की वायरिंग है, प्लस में आपका 600 के अराउंड फिटिंग चार्जेस। अच्छा, स्पीकर हैं 4200 के स्पीकर से रहे हैं। हाँ जी, एंड 2200 के मैंने सीट कवर्स भी लगवाए हैं इसमें। एम्प जो है आपका 5000 का है। 5000 रुपीज का सोनी एक्सप्लोर 4 चैनल। हाँ जी, 1004 मॉडल है। हाँ जी, N1004। ठीक है दोस्तों, इसमें फ्यूजन की वायरिंग है। और तुमने फ्यूज लगवाया है ना, बैटरी के पास फ्यूज है ना? फ्यूज है, पूरी वायरिंग है, 8 गोज की वायरिंग है। ये कॉपर में वायरिंग है फ्यूजन की, पूरी प्रॉपर वायरिंग है सारी है। इसमें केबल्स वगैरह सब स्पीकर की सब चीज लगाई हुई है। ठीक है। और यार पता है, कुछ लोग दुकानदार ऐसे करते हैं कि गाड़ी के जो वायरिंग लगाते हैं ना उसमें बैटरी से पावर की हो जाती है वायर, उसमें से फ्यूज हटा देते हैं। लेकिन बड़ी गलती करते हैं लोग, फ्यूज जरूर होना चाहिए। चलो आपको दोस्तों मैं वो दिखाता हूँ। मैंने इसका बोनट खुलवाया था देखने के लिए कि इसमें फ्यूज़ हैगा या नहीं है। फ्यूजन का ओरिजिनल फ्यूज है। और देखो वायरिंग पे भी लिख रखा है फ्यूजन हाई फ्लो सुपर फ्लो केबल, इसे पता चलता है कि 100% ओरिजिनल है। और दोस्तों इसे किसी चीज़ से बनवा देना, आस पास ऐसे खुला नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। और मैंने मयंक भाई को भी कह दिया ये बनवा देगा किसी चीज़ में। ये इसकी अल्टो 800 2013 मॉडल। Fight back.